अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन के बारे में। कार्बन की इम्पोर्टेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो भी स्ट्रक्चर देखते हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड देखते हैं, उसमें कार्बन जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा होता है। इसी बेस पे हम स्केल्टन ऑफ लाइफ कहते हैं कार्बन को, ठीक है, कि ये लाइफ का स्केल्टन आ रहा होता है, कि हर स्ट्रक्चर में ये ऑलमोस्ट मौजूद होता है। तो दूसरे नंबर पे हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ये टेट्रावेलेंसी रखता है, टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसको चार इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना एक्सटर्नल मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कार्बन में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो शेल्स हम ड्रा करके देखें तो जो इनर शेल होगा उसमें कितने होंगे? 2 होंगे। आउटर में कितने होंगे? 4, 1, 2, 3 और 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मजीद इलेक्ट्रॉन 4 ही चाहिए ताकि ये अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें कंप्लीट करने के लिए 4 मजीद चाहिए होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है इसकी वैलेंसी। तो इसी वजह से हम इसको टेट्रावेलेंट कहते हैं। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी बेस पे, इसी वैलेंसी के बेस पे ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए ये बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस किस के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। कार्बन जो है वो मेन कार्बन के साथ भी बना रहा होता है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बना रहा होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और फास्फोरस के साथ और सल्फर के साथ भी बना रहा होता है, ठीक है। तो इन सब के साथ कार्बन बॉन्ड्स बना रहा होता है अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरा करने के लिए। तो कार्बन जो है वो कार्बन के साथ बना तो रहा होता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना रहा होता है उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम देंगे कोवलेंट बॉन्ड का नाम, ठीक है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये किस तरह होता है? ये म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से होता है। सपोज ये कार्बन का एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ बनाना है, तो हाइड्रोजन में हमें पता है कि एक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे शेयरिंग कर लेगा, हाइड्रोजन का जो है वो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरह से कार्बन के साथ वो भी वो शेयर कर रहा होगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 2 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। और ये जो बॉन्ड है इसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन इसकी होती है, ठीक है, जब ये टूटता है तो फिर क्या होता है? ATP की फॉर्म में एनर्जी हमें गेन हो रही होती है, ठीक है। और यही ATP वो एनर्जी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है डिफरेंट जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है जो कि ATP की फॉर्म में मिलती है। तो कार्बन जो है वो, जब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस, डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री का जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक क्या होते हैं? जिनमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हो, ठीक है, वो ऑर्गेनिक बना रहे थे। और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद ना हो वो इनऑर्गेनिक बना रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। किसके अंदर बना रहा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है ये कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होती है और इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होता है, ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन्स में भी ये मौजूद होता है, ठीक है। कार्बन टू नाइट्रोजन जो है बॉन्डिंग ये किस में मौजूद होती है? प्रोटीन्स में। और इस
बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स में भी मौजूद होता है। ठीक है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल रहे होते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होते हैं जो कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा फास्फोरस और सल्फर भी बॉन्ड बना रहे होते हैं कार्बन के साथ। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर डिफरेंट जो है एटम्स वो मिलके बॉन्डिंग कर रहे होते हैं कार्बन के साथ। ठीक है, एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन इनकी होती है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो यूज कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचिंग भी बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से कार्बन टू हाइड्रोजन बन रहा है क्योंकि कार्बन ने अपने फोर वैलेंसी पूरी करनी है, फोर बॉन्ड्स जो है वो पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, इसी तरह से ये वाला कार्बन 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये क्या है? ये स्ट्रेट चेन है। इसी तरह से ब्रांच चेन भी होती है कि ब्रांचिंग में मौजूद है कार्बन। जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ये वाला कार्बन भी 4 बना रहा है और ये भी 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में ये अपने बॉन्डिंग बना रहा होता है। ठीक है, कार्बन। और यहाँ पे क्या है? रिंग की फॉर्म में है। ये देखें, ये वाला जो कार्बन है 1, 2, 3 और 4, जो भी कार्बन हम देखेंगे वो 4 बॉन्ड ही बना रहा होता है और ये डिफरेंट तरह से बॉन्डिंग करता है। तो कार्बन इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स की फॉर्म में बॉन्डिंग बना रहा होता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए ये सारी बॉन्डिंग हो रही होती है। इसके अलावा हम इसमें ये देखते हैं कि कार्बन की इम्पोर्टेंस में ये भी है कि कार्बन डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो पॉलीमर्स हैं या फिर मोनोमर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? पॉलीमर्स और मोनोमर्स, इनमें बॉन्डिंग बना रहा होता है। ठीक है, तो पॉलीमर्स में हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखते हैं जो कि लार्जर इन साइज होते हैं। वो कौन कौन से होंगे, क्या होंगे पॉलीमर्स में? पॉली मीन्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे इसमें यूनिट्स मिल रहे होते हैं, बहुत सारे जो है वो कार्बन की बॉन्डिंग दूसरे कंपाउंड्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ मिलके पॉलीमर्स बना रहे होते हैं। ये लार्ज इन साइज होते हैं, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। जैसे कि इसमें सेलुलोज आ जाएंगे, स्टार्च आ जाएंगे, ग्लाइकोजन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, प्रोटीन्स आ जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं इसमें आएगा, इसमें सेलुलोज आ जाएगा। ठीक है, ये वाले जो सारे स्ट्रक्चर है वो इसमें आ जाएंगे। और मोनोमर्स क्या है? ये स्मॉलर इन साइज होते हैं और इनमें ग्लूकोज वगैरह, वाटर का मॉलिक्यूल, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और स्मॉलर स्ट्रक्चर आएंगे इसमें। तो जो पॉलीमर्स है इनमें भी कार्बन की बॉन्डिंग मौजूद होती है। ठीक है, इनमें भी कार्बन रोल प्ले कर रहा है, इसमें भी इम्पोर्टेंस है कार्बन की कि ये हर जो है कंपाउंड्स में, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, सेलुलोज में, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाले जो सारे स्ट्रक्चर है ये रोल प्ले कर होते हैं सेल को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, क्या इनका फंक्शन है? सेल को टू मेंटेन सेल स्ट्रक्चर। तो मतलब कि कार्बन जो है वो रोल प्ले कर रहा है सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मोनोमर्स हैं उसमें जो स्ट्रक्चर आ जाते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। एक साइड पे सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, उसको स्टेबल कर रहा है सेल के स्ट्रक्चर को, और दूसरी साइड पे सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये एनर्जी जो है वो कैसे गेन होगी? सेलुलर मेटाबॉलिज्म के थ्रू गेन होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू गेन होगी। जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा कि उसमें से एटीपी रिलीज होगी। ठीक है, तो इस तरह हमें एनर्जी जो है वो गेन हो रही होती है। और ये वाली सारी जो चीजें हैं ये इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन में इंक्लूड होती हैं कि कार्बन जो है वो किन किन सब्सटेंसेस में मौजूद होता है और किस तरह से रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, एटीपी प्रोवाइड कर रहा होता है, सेल को प्रोटेक्शन दे रहा होता है, सेल को स्टेबिलिटी दे रहा होता है। तो ये सारी जो है ये थी
कार्बन की इम्पोर्टेंस। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।